नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की, जहां स्वास्थ्य गार्डन में चैत्र महोत्सव एवं विक्रम संवत के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य गार्डन की डायरेक्टर सब ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश की प्रदेश उपाध्यक्ष संस्कार भारती बिजनौर की उपाध्यक्ष सुचि शर्मा के द्वारा ब्राह्मण महासभा व संस्कार भारती के तत्वाधान में विचार एवं काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। सरस्वती माँ व नटराज का पूजन व वंदन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लाल बहादुर शास्त्री, अनिल शर्मा अनिल रहे। कार्यक्रम के अध्यक्ष संस्कार भारती के वरिष्ठ सदस्य राजकुमार वर्मा ने की और संचालन रचना शास्त्री ने किया। कवि एवं कवित्रियों ने सुंदर काव्य पाठ किया एवं विचार रखे। मंजुला शर्मा, शालिनी शर्मा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही काव्य के क्षेत्र में कवि सूर्यांश वशिष्ठ एवं कवित्री अमित शर्मा सहित सुचि शर्मा, अलका शर्मा, रचना शास्त्री, सरस्वती कौशिक, आरती, रूपाश्री, चंद्रकला, भागीरथी, राधा, उषा, अनंत, सूर्यांश, शिवांशु, गौरव आदि अन्य कवियों ने अपने काव्य पाठ से सभी का मन मोह लिया। संयोजिका सुचि शर्मा ने आयोजन में सम्मिलित सभी सदस्यों को हिंदू संस्कृति व परंपरा की धरोहर, पवित्र धार्मिक पुस्तक व पूजन सामग्री सम्मान प्रतीक स्वरूप भेंट की। सतगुरु मेरा अहम भाव ले गया, जाते जाते प्रेम का उपहार दे गया। सतगुरु मेरा अहम भाव ले गया, जाते जाते प्रेम का उपहार दे गया। मेरे सतगुरु जी को दिल में ठिकाना, ज्ञान की वो मूर्ति है प्रेम का खजाना, प्रेम का खजाना। मेरे सतगुरु जी को दिल में ठिकाना, प्रेम की वो मूर्ति है ज्ञान का खजाना, ज्ञान का खजाना। अज्ञान का अंधेरा सतगुरु ले गया, जाते जाते प्रेम का उपहार दे गया। हरेक के मन में ये कामना होती है कहीं ना कहीं, पर वो उसको थोड़ा डर के थोड़ा सकुचा के कहता है वो बात अलग। तो धुंधली यादों और बातों का बीत गया है छोर, मांझी मेरा मुझे ले चला गंतव्य की ओर, मांझी मेरा मुझे ले चला गंतव्य की ओर। अपने पूजनीय गुरुदेव दादा भगवान प्रमिला भगवान के लिए मैं ये भाव समर्पित कर रही हूँ कि रजनी का घट घटा हुआ है, तिमिरांचल भी फटा हुआ है। ये दृश्य है कि रजनी का घट घटा हुआ है, तिमिरांचल भी फटा हुआ है, लगी झांकने है पलकों पर वो उजली सी भोर, मांझी मेरा मुझे ले चला गंतव्य की। वो वाकई में एक हकीकत है, एक समाज की विडंबना भी है। इसे तो देखिए, मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं आता, परंतु ब्राह्मण समाज से अगर कुछ अध्यक्ष है उस विषय में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, परंतु अखंड हिंदू वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं महिलाओं से एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि हिंदुत्व को जगाने का काम, हिंदुत्व को जगाने का काम हम महिलाओं का ही है, क्योंकि जो भी संस्कार दिए जाते हैं वो घर से ही दिए जाते हैं, नारी से ही दिए जाते हैं। नारी किसी से कम नहीं, नारी किसी से कम नहीं, क्योंकि यही शक्तियों का अवतार है, ये शक्ति की जननी है। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, तब तक शक्ति को आना पड़ा और वही शक्ति नारी में विराजमान है। यही मेरे कुछ छोटे से शब्दों ने शायद निरंतर कही है कि जब भी संसार पर विपदा पड़ती थी तो एक नारी महाकाली को ही रूप धर कर आना पड़ता था। इसी प्रकार हर महिला में, नारी में शक्तियां भी हैं, प्रेम का भाव भी है, और जब वो प्रेम करने पर आती है तन मन सब कुछ नछावर कर डालती है, परंतु जब विपदा पड़ती है तो वही नारी अपना रूप बदल डालती है और सत्कार भी कर डालती है। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।